फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं माधवी और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी क्लास में एक नया टॉपिक। इसके पहले वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि जनरल ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स क्या कहलाते हैं। मैंने आपको बताया था नेक्स्ट वीडियो हम फीमर के बारे में करेंगे कि फीमर नेलिंग की ट्रॉली प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर फीमर सर्जरी के लिए जब ट्रॉली प्रिपरेशन होगी, यदि उस पेशेंट का के नेलिंग होना है तो के नेलिंग के लिए आप कैसे ट्रॉली प्रिपेयर करोगे एंड ट्रॉली में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट रखे जाएंगे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाएंगे। आज मैं सभी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम बताऊंगी आपको और मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे ट्रॉली प्रिपेयर करना है। आज हम बात करेंगे के नेल के बारे में। के नेल मतलब कुंशियल इंटरमेड्युलरी नेल, इसे शॉर्ट में के नेल भी बोला जाता है। तो के नेल के इम्प्लांट बॉक्स के बारे में भी हम बात करेंगे कि इम्प्लांट बॉक्स में कौन कौन से इम्प्लांट्स होते हैं, जनरल इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं, ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज किए जाते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट्स भी बता दिए हैं, सारे ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स भी बता दिए हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर के नेल के लिए आपको किस किस इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आपको कैसे ट्रॉली प्रिपेयर करना है। तो देखिए स्टूडेंट, ट्रॉली प्रिपेरेशन तो बाद का काम होता है। सबसे पहले हमको इंस्ट्रूमेंट निकालने होते हैं, उनका स्टरलाइजेशन करना होता है, देन उसके बाद हम ट्रॉली प्रिपेरेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हम किस किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जनरल इंस्ट्रूमेंट से कि जनरल इंस्ट्रूमेंट में आपको कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करना है। सबसे पहले मैं बात करूंगी स्पंज होल्डर की। जो स्पंज होल्डर होता है ये जनरल इंस्ट्रूमेंट से। स्टूडेंट, ये जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इनको कॉमन सभी सर्जरी में यूज किया जाता है, चाहे वो गायनिक सर्जरी हो, चाहे ईएनटी सर्जरी हो, ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो या न्यूरो सर्जरी हो, सभी सर्जरी में कॉमन जनरल इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये आपको याद ही होने चाहिए। फर्स्ट मैं बात करूँ स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का यूज पेंटिंग के लिए किया जाता है सर्जरी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है टॉवल क्लिप। तो जो टॉवल क्लिप आती है, स्पंज होल्डर आपको 2 रखने हैं, टॉवल क्लिप आपको 6 रखनी है। टॉवल क्लिप्स का यूज किस लिए किया जाता है, तो ड्रेपिंग के टाइम पे टॉवल क्लिप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्मॉल टॉवल। स्मॉल टॉवल्स ये ड्रेपिंग के टाइम पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका बिग टॉवल आता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मैकिनटॉस, इसका भी यूज सबसे ज्यादा किया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका नाइफ हैंडल। तो सर्जरी के टाइम पे इंसीजन देने के लिए नाइफ हैंडल का यूज किया जाता है, कॉमन सा है, सभी सर्जरी में नाइफ हैंडल का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका ब्लेड। तो देखिए नाइफ का यूज हम किसके साथ करते हैं, ब्लेड के साथ यूज करते हैं। तो ब्लेड्स कौन से यूज करना होते हैं, ब्लेड्स आप 23 नंबर की, 20 नंबर की, 12 नंबर की, 11 नंबर की। जो नाइफ हैंडल होते हैं वो 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है 3 नंबर, एक होता है 4 नंबर। तो 3 नंबर में आपका 11 और 15 नंबर की ब्लेड लगाई जाती है और आपका जो 4 नंबर होता है उसमें 20, 21, 22, 23 या किसी भी नंबर की ब्लेड्स लगाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें आपका नाइफ हैंडल एंड ब्लेड का यूज करना है। नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेट एंड कर्व सीजर। तो बहुत कॉमन है सीजर, सभी सर्जरी में यूज की जाती है, मायो स्ट्रेट सीजर एंड मायो कर्व सीजर। ये आपको 2 रखनी है, एक आपको मीडियम साइज में रखनी है, एक आपको बिग साइज में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं कर्व एंड स्ट्रेट आर्टरी फोर्सेप्स। तो आपको आर्टरी फोर्सेप्स में 2 रखनी है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको एक बिग साइज की रखनी है, एक मीडियम साइज की। तो बिग साइज की आपको 3 रखनी है, मीडियम साइज की भी आपको 3 रखना है। आर्टरी फोर्सेप्स आपको स्ट्रेट भी रखनी है और आपको कर्व भी रखनी है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है निडल होल्डर। तो निडल होल्डर कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इसका यूज सूचरिंग में किया जाता है। तो ये आपको बिग साइज में रखना है, मीडियम साइज में भी रखना है। नेक्स्ट आता है एलिस टिश्यू फोर्सेप्स। ये जो एलिस टिश्यू फोर्सेप्स होता है इसका यूज भी किया जाता है कॉमन टिश्यू या फ्लैप को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट आता है कॉकर फोर्सेप्स। ये भी आपको स्ट्रेट एंड कर्व दोनों रखने हैं, तो आपको 4 स्ट्रेट रखने हैं, देन 4 कर्व रखने हैं, और इसमें भी बिग साइज के 4 रखने हैं, मीडियम साइज के 4 रखने हैं। नेक्स्ट आता है बैकॉक टिश्यू फोर्सेप्स। तो बैकॉक टिश्यू फोर्सेप्स भी स्टूडेंट आपको 4-4 रखने हैं, बिग साइज और मीडियम साइज में। नेक्स्ट आता है आपका लेजेंड पैक डिटेक्टर। ये जो लेजेंड पैक डिटेक्टर होता है बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, इंसीजन देते समय इसका यूज किया जाता है या ऑपरेटिव पार्ट में वर्क करते समय इसका यूज किया जाता है। तो आपको बिग साइज मीडियम साइज दोनों के 2-2 सेट रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका किडनी ट्रे। तो ये जो किडनी ट्रे होता है कॉमन सभी सर्जरी में यूज किया जाता है, बाउल सभी सर्जरी में यूज किया जाता है, मैकिनटॉस, पैड, स्पंज, मॉप, वॉच पीसेस, ये कॉमन्स होते हैं जो सभी सर्जरी में यूज किए जाते हैं। तो ये तो जनरल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट जो आपको सभी सर्जरी में यूज करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी है, क्योंकि फीमर क्या है, फीमर एक बोन है। फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाने पर, किसी भी पेशेंट की किसी भी कारण से फीमर बोन फ्रैक्चर हो जाने पर उसको क्या किया जाता है, नेलिंग या प्लेटिंग की जाती है। तो आज हम बात करते हैं नेलिंग की, कि आखिर नेलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, जनरल ऑर्थोपेडिक सेट की, कि आखिर ऑर्थोपेडिक सेट कौन कौन से लगेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बात करते हैं पेरियोस
पेरियोस्टियम एलिवेटर, ये भी आपको रखना है 2, जिसका मैंने बताया था पेरियोस्टियम लेयर को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है ऑस्टियोटोम, ऑस्टियोटोम भी आपको 1 रखना है। नेक्स्ट आता है चिसल, चिसल भी आपको 2 रखने हैं। नेक्स्ट आता है बोन वॉक, बोन वॉक मतलब बोन को खुरदने के लिए इसका यूज करना है, ये भी आपको 2 रखने हैं। नेक्स्ट आता है बोन क्यूरेट, बोन क्यूरेट भी आपको अलग अलग साइज के 2-3 रखने होते हैं। नेक्स्ट आता है हैमर, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हैमर का रोल नेल को अंदर डालने के लिए इसका यूज किया जाता है, तो हैमर तो बहुत ही कॉमन है, ये आपको सभी सर्जरी में यूज करना है। नेक्स्ट आता है बोन लिवर, बोन लिवर आपको बिग साइज के 2 रखने हैं, आपको मीडियम साइज के भी 2 रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका, मैं बात करती हूँ बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, जो बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स का मतलब है ऐसे फॉर्सेप्स जिनका यूज बोन को होल्ड करने के लिए किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल लैनस बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, लॉयन बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स, फर्ग्यूसन बोन होल्डिंग फॉर्सेप्स। नेक्स्ट आता है बोन क्लैम्प्स, बोन क्लैम्प्स भी आपको रखने हैं। नेक्स्ट आता है आपका एओ बोन फॉर्सेप्स, ये भी आपको रखना है। नेक्स्ट एओ बोन फॉर्सेप्स आपको 4 रखने हैं। नेक्स्ट आता है सेल्फ रिटेनिंग फॉर्सेप्स, सेल्फ रिटेनिंग फॉर्सेप्स बिग साइज के 2, मीडियम साइज के 2 रखने हैं। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सल बोन ड्रिल, यूनिवर्सल बोन ड्रिल बहुत ही कॉमन होता है, इसको तो आपको जनरली रखना ही होता है क्योंकि इससे ही ड्रिल किया जाता है, इससे ही रीमर किया जाता है, तो बहुत कॉमन है। और आपके पास यूनिवर्सल बोन ड्रिल इलेक्ट्रिक वाली होनी चाहिए या बैटरी वाली होनी चाहिए, 2 ड्रिल आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या होता है बोन कटर, बोन कटर भी आपको 2 रखने हैं बिग साइज मीडियम साइज में। नेक्स्ट आता है बोन निबलर, बोन निबलर भी किसके लिए रखना है, आपको 2 रखने हैं बिग साइज में मीडियम साइज में। नेक्स्ट आता है बोन हुक, जो बोन हुक होता है वो भी बिग और मीडियम साइज में रखना है। इसके बाद आपको के वायर रखने होते हैं, देन टी हैंडल एंड की वगैरह आपको रखनी होती है। तो ये होता है ऑर्थोपेडिक सेट, कि ऑर्थोपेडिक सेट में आपको क्या क्या रखना है, फिर डायग्राम में आपको बता रही हूँ, ऑस्टियोटोम, पेरियोस्टियम एलिवेटर, चिसल, बोन वॉक, बोन क्यूरेट, हैमर, बोन लेवर, बोन होल्डिंग फोर्सेस, बोन क्लैम, सेल्फ रिटेनिंग फोर्सेस, एओ बोन फोर्सेस, यूनिवर्सल बोन रिंग, बोन कटर एंड बोन निबलर एंड बोन हुक। ठीक है, ये तो हो गया ऑर्थोपेडिक के जनरल इंस्ट्रूमेंट, चाहे टीबिया हो तो भी आपको रखना है, चाहे फीमर हो तो भी रखना है, रेडियस अल्ला, यूब्रस, किसी भी बोन की सर्जरी हो, ये ऑर्थोपेडिक के कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स आपको रखने होते हैं। बट ऑपरेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग इनके साइज में चेंज किया जाता है, यदि आपको मीडियम सर्जरी है तो मीडियम साइज के रखना होगा, इंटरनल पार्ट ज्यादा है तो उसमें आपको बिग साइज के रखना होगा, तो अकॉर्डिंग टू ऑपरेटिव पार्ट के अकॉर्डिंग सर्जरी इंस्ट्रूमेंट का साइज देखा जाता है या रखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं के नेल फीमर सेट। ये जो के नेल फीमर सेट होता है स्टूडेंट, इसका एक इम्प्लांट बॉक्स होता है, इस इम्प्लांट बॉक्स में इसके सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, बट आपको मालूम होना चाहिए कि उस इम्प्लांट बॉक्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें फर्स्ट होता है बोन आउल स्ट्रेट होता है, एक स्ट्रेट आउल होता है फीमर के लिए, और एक होता है कर्व पॉइंटेड होता है। ठीक है, तो 2 आउल होते हैं, एक स्ट्रेट आउल होता है, एक कर्व आउल होता है। अब आउल का इसलिए यूज किया जाता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में जब नेल करते हैं तो उस सबसे फर्स्ट जो होल होता है वो आउल के थ्रू ही किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट आता है आपका स्क्रू ड्राइवर, तो जब स्क्रू लगाने के लिए के नेल का स्क्रू ड्राइवर एक अलग ही आता है। नेक्स्ट होता है आपका एक्सट्रैक्टर, तो एक्सट्रैक्टर सेट और इम्पैक्टर सेट के नेल का उस इम्प्लांट बॉक्स में ही होता है, आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टर सेट को एंड इम्पैक्टर सेट को। नेक्स्ट आता है गाइड वायर, तो जो गाइड वायर होती है स्टूडेंट ये अलग अलग साइज की होती है, 2.5 की होती है, 2.5 mm की होती है, 2 mm की होती है, 3.5 mm की होती है, एक 4 mm की होती है, 4.5 mm की होती है, ऐसे करके अलग अलग साइज की गाइड वायर्स होती हैं, इनका यूज भी किया जाता है फीमर सर्जरी के टाइम पे। नेक्स्ट आता है इम्पैक्टर फॉर के नेल, के नेल को अंदर करने के लिए इम्पैक्टर का यूज किया जाता है और बाहर करने के लिए एक्सट्रैक्टर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है मेजरिंग गेज, जो मेजरिंग गेज होता है ये स्केल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज स्क्रू लगाते समय या स्क्रू फिक्सेशन के टाइम पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है रीमर, तो रीमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका क्योंकि ड्रिल करने के बाद रीमर ही किया जाता है, तो रीमर भी इसमें अलग अलग आते हैं, 10 mm का आता है, 11 mm या एक आता है आपका 9 mm का, 8 mm का, 6, 7, 10, 11, 12, ऐसे करके अलग अलग mm साइज के रीमर होते हैं जो इम्प्लांट बॉक्स में होते हैं। नेक्स्ट होता है स्पेयर हुक, स्पेयर हुक भी बहुत कॉमन है, इसका यूज भी एक्सट्रैक्टर के साथ किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि ये जो के नेल है, ये जो के नेल फीमर सेट है, इसमें ये सारे इम्प्लांट्स होते हैं, इस बॉक्स में सारे इम्प्लांट्स होते हैं जिसका यूज फीमर नेलिंग में की जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट है
स्टूडेंट, इनको सबसे पहले क्या किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। स्टरलाइज करने के बाद स्टरलाइजेशन इसका किस मशीन में किया जाता है, तो इसका मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन किया जाता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन मतलब ऑटोक्लेव मशीन में इसका स्टरलाइजेशन किया जाता है। स्टरलाइजेशन का साइकिल कंप्लीट होने के बाद ड्रम में सारे इंस्ट्रूमेंटों को ओटी में रखा जाता है। उसके बाद स्क्रबिंग करनी होती है, स्क्रबिंग के बाद गाउनिंग, ग्लविंग, देन उसके बाद फिर ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली भी आपकी क्लीन होनी चाहिए, उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं होने चाहिए। सबसे पहले जो ट्रॉली होती है उसमें सबसे पहले पॉलीड्रिप डाला जाता है। पॉलीड्रिप डालने के बाद आपका मैकिंटॉस डाला जाता है। फिर सबसे फर्स्ट में आपको लेफ्ट टू राइट ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, जिसमें लोअर पार्ट में, ट्रॉली के लोअर पार्ट में सारे जनरल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं, फिर ऑर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट रखे जाते हैं। फिर उसके बाद नेलिंग के लिए एक अलग से ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है, इम्प्लांट के लिए एक अलग से ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। और ये जो केनेल फीमर का इम्प्लांट बॉक्स होता है, इसमें ही ये सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं और हमको नेलिंग कराई जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके सारे इंस्ट्रूमेंट का स्टरलाइजेशन करके ट्रॉली प्रिपेयर की जाती है। ट्रॉली प्रिपेयर करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी इंस्ट्रूमेंट ट्रॉली में रख रहे हो उसे काउंट करके आपको एक व्हाइट बोर्ड में नोट कराना होता है, और सूचरिंग करने के बाद उसे फिर से रिकाउंट कराना होता है। ठीक है स्टूडेंट, कितने गॉज पीसेस रखे हैं, कितने पैड रखे हैं, ये सारी चीजें आपका काउंटेबल होना चाहिए। आप काउंट करके सारे इंस्ट्रूमेंट रखें और सारे गॉज पीस एंड गॉज पैड रखें। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे करके आप ट्रॉली प्रिपेयर करो। सारे ट्रॉली में ही सारे इंस्ट्रूमेंट सेट किए जाते हैं, और सेट करने में ये भी होता है स्टूडेंट कि ट्रॉली कैसे सेट की जाती है। तो ट्रॉली ऐसे सेट की जाती है कि जैसे जैसे सर्जरी का प्रोसीजर बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग आप ट्रॉली प्रिपेयर करते हो। जैसे फर्स्ट में किस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे हम फ्रंट में लगते हैं, बीच ड्यूरिंग सर्जरी किस इंस्ट्रूमेंट का यूज रखेगा उसे हम बीच में रखेंगे, फर्स्ट टाइम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करना है तो उसे हम स्टार्टिंग में ही रखते हैं। जैसे जैसे सर्जरी का प्रोसीजर बढ़ता है उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रॉली प्रिपेयर करते हैं। टेक्नीशियन को ट्रॉली प्रिपेयर करना आना चाहिए, सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मालूम होने चाहिए कि किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कब और कैसे किया जाता है, और फीमर सर्जरी में किस किस इंस्ट्रूमेंट्स का यूज किया जाता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं तक, थैंक यू।